करेरा जिले में झांसी की रानी का बचपन बीता। डीआईजी एपीएस निबाडिया सपोर्ट वेमेन ट्रेनिंग स्कूल भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल का 12वां स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि संस्थान के तत्कालीन प्रथम सेनानी व वर्तमान में उप महानिरीक्षक दूर संचार वाहिनी राजीव लोचन शुक्ला कार्यक्रम में उपस्थित हुए। उन्होंने संस्थान के समस्त पदाधिकारियों व परिजनों को संस्थान के 12वें स्थापना दिवस की बधाई देते हुए कहा कि इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि शामिल होना उनके लिए अत्यंत गर्व व प्रसन्नता का विषय है, क्योंकि 26 अप्रैल 2012 को उनके कार्यकाल के दौरान 84 पदाधिकारियों की समिति नफरी के साथ 18वीं वाहिनी इलाहाबाद में संस्थान की स्थापना हुई थी और वर्ष 2015 को इलाहाबाद से शिफ्ट कर करेरा स्थित सपोर्ट वाहिनी के साथ स्थापित किया गया। इस उपलक्ष पर महानिदेशक अनीश दयाल सिंह भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल द्वारा अर्धशासकीय पत्र के माध्यम से संस्थान के समस्त पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी गई। कार्यक्रम के शुभारंभ स्थापना दिवस परेड से हुआ। परेड का संचालन सहा सेनानी वेट मिलन कुमार द्वारा किया गया। इस अवसर पर अपने संबोधन में उप महानिरीक्षक एपीएस निब्बा साडिया सपोर्ट वेपन ट्रेनिंग स्कूल ने संस्थान की उपलब्धियों को साझा किया। वर्ष 2012 से अब तक संस्थान कुल 15,006 पदाधिकारियों को विभिन्न सपोर्ट हथियारों का प्रशिक्षण प्रदान कर कीर्तिमान स्थापित कर चुका है। अपने अथक प्रयासों व उत्कृष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रमों के द्वारा संस्था ने अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित की। भारत तिब्बत सीमा पुलिस परिवार जिंदाबाद। मैं आपको कुछ दो चार शब्द बताना चाहता हूं। आज भारत तिब्बत सीमा पुलिस परिवार को देखकर, उनके स्तर को देखकर मुझे व्यक्तिगत रूप से ही नहीं बल्कि पूरे परिवार की तरफ से एक गर्व महसूस हो रहा है। जब किसी फोर्स का इस पर ऊंचा दिखलाई देता है उसका मनोबल भी ऊंचा होता है और वो फोर्स भी खुद ऊंची होती चली जाती है। जब मैं था, जब हम भर्ती हुए, फोर्स का स्तर ये नहीं था, लेकिन आज ये एक गर्व है कि हम एक ऐसे दुश्मन के लिए इतने ऊंचे स्तर पर आ रहे हैं जिसने वर्ष 1962 में उस समय हम पर हमला किया था जब हमारे मंदिरों में ये लिखा जाता था कि हमारी और उनकी दोस्ती कई सौ साल पुरानी है। वो दोस्ती नहीं थी, एक धोखा था। जिनके हाथ उनके अपने के खून से सुर्ख रूम हो वो दोस्त नहीं हो सकते, वो सिर्फ दुश्मन हो सकते हैं। और दुश्मन से नफरत करनी है, दुश्मन से प्यार नहीं करना है। इस जब पूरा सब कुछ शांत था उस टाइम 35 लाख अपने नागरिकों को कत्ल करने के बाद एक ऐसी सरकार की स्थापना हुई थी जो हमारे लिए हमेशा, आज ही नहीं बल्कि आने वाले बहुत से वर्षों तक दुश्मन रहेगी। 62 के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी, बीजू पटनायक जी, उन्होंने ये सुझाया था कि हम एक ऐसी फोर्स खड़ी करें जो सिविलियन के साथ, अपने नागरिकों के साथ, अपने नागरिकों के बीच में रहकर इस लायक बने कि दुश्मन के वो जब चाहे दुश्मन को जो ना मार सके। और उसी के एवज में आज आप सब उसी फोर्स के सदस्य हैं। ये साधारण फोर्स नहीं है, बहुत ऊंची फोर्स है। और आज से नहीं, आज से करीब 45-50 वर्ष पहले ही जो है नाम
विश्व स्तर पर आ चुका था और वो फोर्स आज जो ने जो वो इस तरह से देख रहा हूँ वो रियली मुझे दिल से बहुत ही जो है ना गर्व महसूस हो रहा है। मैं अपने टाइम की एक दो घटना आपको सुनाना चाहता हूँ। प्रदेश आर्मी के चार ऑफिसर बाहर गए, गुम हो गए, शाम तक वापस नहीं आए। उन दिनों भारत सरकार का ये आदेश था कि हम सीमा पार करके उधर नहीं जाएंगे किसी भी हालत में। चार ऑफिसर गुम, उसी पोस्ट पर मैं उस टाइम ट्रेनिंग करके सिर्फ चार ही महीने हुए थे, हमें मुझे आदेश मिला स्थानीय कमांड से कि एक फाइटिंग पेट्रोल बनाई जाए आर्मी की, बॉर्डर स्काउट की और आईटीबीपी की, जिसमें आईबी का नुमाइंदा भी हो, वो जाएं ऑफिसर्स को ढूंढ कर लाएं सीमा पार से। शाम के करीब 6 बजे बेटो मैं 34 आदमियों के साथ निकला था। उस टाइम मैं खुद जो एक बच्चा था, ज्यादा फोर्स के बारे में ट्रेनिंग करने के बाद ही गया था, एरिया के बाद में भी कुछ मालूम नहीं था। 34 आदमियों की पेट्रोल मैंने लीड किया, ये आर्मी की पेट्रोल थी, एक तरह से आर्मी की पेट्रोल को एक पुलिस ऑफिसर ने लीड किया था। ये हिस्ट्री है जो अभी तक दोहराई नहीं गई है। गया 2 दिन और 2 रात पूरे इसके साथ, पूरी पेट्रोल 2 दिन 2 रात बिना खाने के बाहर खुले में सोए, क्या मतलब बैठे रहे। नीचे जाते थे सतलज नदी का पानी तक के पास नहीं पहुंच पाते थे, खाना नहीं था, सोए नहीं। उसके बाद भी हम लोग जो है वापस आए, ऑफिसर भी जो है जो गुम थे जिनको ढूंढने गए थे वो भी वापस आए। ब्रिगेड हेडक्वार्टर से बहुत अप्रिसिएशन मिले, लेकिन यही है कि मुझे मौका नहीं मिला कोई फायर करने का। अगर उस टाइम फायर हो जाता तो ये एक तरह से स्ट्रेटेजिकल स्ट्राइक होती जो पुलिस के नाम होती, जो भारत तिब्बत सीमा पुलिस के नाम होती। लेकिन अफसोस यही है कि हमें मौका नहीं मिला क्योंकि दुश्मन वहां नहीं था, दुश्मन सामने नहीं आया और अपने अफसरों को हमने पहले ही सेफ एरिया में, हालांकि पता नहीं था वो कहां पर हैं, तो वो क्योंकि उसके काफी आगे से जाके एनसर्कल कर लिया था ताकि अगर वो वहां हैं भी तो उनको हम बचा सकें। इसके बाद 2012 में इस स्कूल की स्थापना की गई और मुझे आज स्थापना दिवस में वो सभी पदाधिकारी, चाहे वो सिपाही रहा हो, हवलदार रहा हो या इंस्पेक्टर रहा हो या कोई भी पदाधिकारी, इवन कमांडेंट्स वगैरह रहे हैं, सभी ने कुछ ना कुछ योगदान दिया है जो आज हम यहाँ एक छोटे से रूप में हैं लेकिन शुरुआत कर रहे हैं। 12वां स्थापना दिवस इसलिए भी है कि आज हमारे बीच में श्री इलम सिंह, सेवानिवृत्त उप सेनानी भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, आज आए हैं जिनकी आयु 81 वर्ष के नौजवान है। मैं ये नहीं कहूँगा 81 वर्ष के बुजुर्ग हैं, नौजवान कहूँगा। इनके जज्बे और इनके हौसले को देख के मैं यही कहूँगा कि जो लोग रिटायर्ड होते हैं आज हमारे बीच में, हमारे पुराने सूबेदार मेजर साहब भी आए हुए हैं, कि रिटायर्ड हो जाते हैं बट वी शुड नॉट बी टायर्ड। मीडिया के जो तो बंधु आ रखे हैं इनको मैं बताना चाहूँगा कि श्री इलम सिंह जो है एक इंसाइक्लोपीडिया आईटीबीपी की। कल सर से मेरी बात हो रही थी, शायद करेरा के जो स्थानीय निवासी इनको भी नहीं पता है हवाई जहाज ने भी लैंड किया था, ये शायद आपको नहीं पता होगा, 1962 के अंदर ये पहले एयर स्ट्रिप रही है यहाँ पे, कभी जहाँ पे हम खड़े हैं शायद जो लगी रहा है मेरे को,
तब ये बासठ में कोई पेड़ पौधे नहीं थे, तो पहले ट्रायल लैंडिंग यहाँ किया गया था। इसके बाद यूपी में एयर बेस एयर स्ट्रिप बना था पक्का जो होना है। यही नहीं, श्री इलम सिंह जो हमारे बीच में है, ये भारत के पहले ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने ऑटोमेटेड ऑटोमेशन किया था फायरिंग रेंज का, जो खेड़ा घाट में फायरिंग रेंज है। विद इन रिसोर्सिस 10 दिन के अंदर सर ने बताया कि कोई पैसा सरकार का खर्च नहीं हुआ, जो भी टूटा फूटा सामान मिलता था इकट्ठा करके गलियारियाँ बनाई, कैसे रेंज को टारगेट्स को